से सब लव स्टोरीज खत्म होती है ये वहां से शुरू होती है जहां से इट्स अबाउट अ परफेक्ट कपल इट्स अ परफेक्ट कपल जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है उनके सडनली आउट ऑफ बोथ ऑफ देम वन पर्सन फॉल्स इन लव विद समबडी एल्स एंड व्हाट हैपेंस हमको दीवाना कर गई इज द स्टोरी की जनरेशन की फिल्म है ये मेरी लाइफ की पहली फिल्म है कि जो मैंने बहुत ही यंग अप्रोच के साथ बनाई फिल्म करते हुए मुझे लगा कि मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ आफ्टर दीवाना देखिए बेसिकली ये बड़ी मैच्योर लव स्टोरी है इसमें कोई ये नहीं है ट्विस्ट टर्न ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हाँ ये फ्लो के अंदर जरूर कहानी चलती है फिल्म एक्चुअली ये इस इंस्पायर्ड फ्रॉम ए ट्रू स्टोरी जाति जिंदगी से इंस्पायर की गई है तो मैं हमेशा छुट्टी पे जाता हूँ कनाडा अच्छा मेरे दोस्त हैं मैं बच्चों के साथ हॉलीडेज पे तो एक कपल से मेरा इंटरेक्शन हुआ वहाँ पर उनके आगे फ्रेंड मेरे फ्रेंड के जब मैंने उनसे बात की कि हाउ यू मेट योर वाइफ तो मुझे एक अजीब सी कहानी का साउंड आया अच्छा के अंदर एक केमिस्ट्री देखी एंड आफ्टर टू डेज आई वेंट अगेन तो उनके घर पे गया तो उनकी वाइफ से इंटरेक्शन हुआ उन्होंने बातें बताई ही वर्क्स अमेजिंगली हार्ड दैट इज वन थिंग दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स ही स्टिल वर्क्स अमेजिंगली हार्ड शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग कैथरीना बहुत हार्ड वर्किंग है इंटेलिजेंट है आज की लड़की है में आप पूरे गाने सुनेंगे तो हमने कोशिश किया आज की साउंड को रखते हुए उसको फ्यूजन ट्राई किया आई लाइक हमको दीवाना कर गई एक लड़की जो लंदन से आई जिसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था आई और शी स्टार्टेड मॉडलिंग एंड एक हिंदी फिल्म के अंदर कदम रखना आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग फॉर एनीबॉडी टू डू जहां तक उसकी रुकावट थी तो वो थी कि वो एक इंग्लिश कल्चर से आई हुई है जिसको जबान की प्रॉब्लम थी बोलने की पर हम लोगों ने मेहनत की मेहनत भी उसी के ऊपर होती है जब दूसरे बंदे में लगन हो वी शॉट द सॉन्ग देयर शॉट इन द माउंटेंस देयर कैलगरी इज अ ब्यूटीफुल प्लेस
to be really, really pushed and stretched for time because we are shooting in Canada for the film. And Calgary also, right? We used to just get ready every morning. नहीं कोई ऐसी डिफिकल्टी आई नहीं. वी आर प्लान और शेड्यूल, हम शेड्यूल में थे. एक जो फिल्म स्टार्ट की, पहला शेड्यूल हमारा यहाँ था और दूसरा कनाडा. कुछ 40 दिन के लिए आए थे हम लोग. सो करीबन 70% पिक्चर वहाँ बनी हुई है. मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है इसे सेपरेशन सॉन्ग ला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे. He's very good at, I mean, besides one few scenes where I guess he wanted us to do what we felt natural, he's pretty good at exactly explaining what he wants, which is what I needed and wanted from him for this movie, because Rajji has a particular style of cinema and cinema particular style of cinema and the way he makes his movies, as well as the kind of people who like to see his movies. मैं कहूँगा राज कंवर बेसिकली ज़्यादा करके स्टोरी लाइन पे बहुत डिपेंड करते हैं. टेक्निकली ही लेट इट, मतलब वो कैमरा लगाते हैं, ही फ्लोज विद द स्टोरी. वो ये नहीं दिखाना चाहते कि नीचे से कैमरा गया, ऊपर गया, ये है वो. बेसिकली वो स्टोरी आपको नरेट करना चाहते हैं. ही इज़ एक्चुअली मोर बॉदर्ड अबाउट द कैरेक्टर रादर देन द पिक्चर. जोड़ियाँ भगवान बनाता है, सब कुछ भगवान बनाता है. जोड़ियाँ जैसे न कि है They made in heaven. तो ये लड़का कहता है कि फिर प्यार क्या चीज़ होती है. What is love basically? When you fall in love, you don't think about anything. अगर वही सब कुछ बना देता है तो what is love? What connects people in this world? Correct. It is love connects. True. ऐसा क्या है दुनिया में जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है? It's a feeling, एहसास. जब तक ये एहसास जिंदा है, हमारा प्यार जिंदा है, हमारा रिश्ता जिंदा है. जब तक किसी के लिए एहसास है तभी तक रिश्ते हैं, तभी तक प्यार है. जहाँ एहसास नहीं, फीलिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं. इट्स अ लवली लव स्टोरी, इट्स अ ट्रू लव स्टोरी एंड इट्स अ थिंग व्हिच कैन हैपन टू एनीबडी. लॉ ऑफ रियलिटी इज देयर इन दिस फिल्म एंड पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट बिकॉज देयर आर ग्रेट सॉन्ग्स. दिस कॉमेडी ऑल्सो, इट्स अगेन अ सिचुएशनल काइंड ऑफ कॉमेडी व्हिच हैज रियली हैपेंड इन अदर पीपल्स लाइफ एंड पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस फिल्म. एक डिफरेंट फिल्म बनाने की जो लव स्टोरी का जो एक प्री क्लाइमेक्स होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो हम बोलते हैं फिल्म के अंदर, एक स्टेज आती है कॉन्फ्लिक्ट की, वो यहाँ रील नंबर 3 से है. तो आदमी बोलता है कि अगर ये 3 नंबर रील से शुरू हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा, क्या होगा, अभी देखने ऐसा होगा. और ऑडियंस देखती वैसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये है, अभी ऐसा होगा. दैट्स मोमेंट बहुत अच्छे हैं. फिल्म की खासियत क्या है कि यहाँ हर इंसान बोलता है कि मैंने
एक डिफरेंट फिल्म बनाई है. मैं बोलूंगा कि वाकई डिफरेंट.